निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे चुनाव, सरकार को जल्द चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता शर्मा और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव कराने का आदेश दे दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद ओबीसी के लिए आरक्षित सीट जनरल मानी जाएंगी। इस फैसले को सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इस मामले में 24 दिसंबर को बहस पूरी हो गई थी। कोर्ट ने निकाय चुनाव से संबंधित सभी 93 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद 27 दिसंबर तक फैसला सुरक्षित कर लिया था। हाई कोर्ट ने 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को भी खारिज कर दिया था। बेंच ने कहा कि अगर आरक्षण तय करना है तो ट्रिपल टेस्ट के बिना कोई आरक्षण तय नहीं होगा। सरकार को चुनाव जल्दी कराना चाहिए। यह आदेश जज देवेंद्र कुमार उपाध्याय और सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने दिया था। जनहित याचिका राय बरेली में सामाजिक कार्यकर्ता भैरव पांडे ने लगाई थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ट्रिपल टेस्ट के फॉर्मूले हम आपको बताते चलें। सरकार कर सकती है कमीशन गठित। कोर्ट के इस फैसले के बाद अगर सरकार को ओबीसी आरक्षण लगाना है तो कमीशन गठित करना होगा। ये कमीशन पिछड़ा वर्ग की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट देगा। इसके आधार पर आरक्षण लागू किया जाएगा। आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट यानी 3 स्तर पर मानक रखा जाएगा। इसे ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला कहा गया है। अब इस टेस्ट में दिखाना होगा कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की आर्थिक शिक्षा स्थिति कैसी है, उनको आरक्षण देने की जरूरत है या नहीं, उनका आरक्षण दिया जाएगा या नहीं। कोर्ट में कहा गया कि ये राजनीतिक आरक्षण है। यूपी सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही और मुख्य स्थायी अधिवक्ता अभिनव नारायण त्रिवेदी ने सरकार का पक्ष रखा था। दलील दी गई कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण एक प्रकार से राजनीतिक आरक्षण है। पहले मामले की सुनवाई के समय राज्य सरकार का कहना था कि मांग गए सारे जवाब प्रति शपथ पत्र में दाखिल किए जाएंगे। इस पर याचिकाओं के वकीलों ने आपत्ति करते हुए सरकार से विस्तार जवाब की गुजारिश की, जिससे कोर्ट ने नहीं माना है। राज्य सरकार ने दाखिल किए गए अपने हलफनामे में कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव मामले में 2017 में हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वे को आरक्षण का आधार माना जाएगा। सरकार ने कहा कि इस सर्वे को ट्रिपल टेस्ट माना जाएगा। यह भी कहा कि ट्रांसजेंडर को चुनाव में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ट्रिपल टेस्ट के साथ कुल आरक्षण 50% से ज़्यादा ना हो। याचिकाकर्ताओं के वकील शरद पाठक ने बताया, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के अलग अलग स्थितियां हैं। इसमें से राज्य सरकार को तय करना होगा कि वह अपने राज्य में ओबीसी को कितनी आरक्षण देना चाहते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट का एक फॉर्मूला दिया था। ट्रिपल टेस्ट के साथ ही कुल आरक्षण 50% से अधिक ना हो, इससे ट्रिपल टेस्ट का नाम दिया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश में कहा कि अगर अन्य पिछड़ा वर्ग को ट्रिपल टेस्ट के तहत आरक्षण नहीं दिया तो अन्य पिछड़ा वर्ग की सीटों को अनारक्षित माना जाएगा। याचिकाकर्ताओं की 65 आपत्तियां जताई हुई हैं। हाई कोर्ट में निकाय चुनाव में आरक्षण पर 65 आपत्तियां दाखिल की गई हैं। हाई कोर्ट ने सभी मामलों को सुनवाई पूरी कर ली है। याचिकाकर्ताओं के द्वारा ओबीसी आरक्षण से लेकर जनरल आरक्षण पर आपत्तियां दर्ज की गई हैं। सरकार के वकील की तरफ से 2017 के फार्मूले पर आरक्षण लागू किए जाने का दावा किया गया है, जिस पर हाई कोर्ट ने सख्त सवाल करते हुए पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में ओबीसी आरक्षण को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है तो उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। अब देखना यह बहुत दिलचस्प होगा, क्या यूपी अपनी छोटी सरकार को चुनने के लिए क्या पहले से ज़्यादा और भी उत्साह है। और तब तक के लिए देखते रहिए नज़र टुडे।